सो स्टूडेंट्स अपना अगला पॉइंट की आ क्रेडिट राशनिंग। ठीक है, राशनिंग का मतलब हुंदा कोई फिक्स्ड लिमिट बना देना। ठीक है, जिहड़ा सेंट्रल बैंक द्वारा एक लिमिट तय की जाती है भी जिहड़े वख-वख सैक्टर आ, ठीक है, जिन्हां नूं लोन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने इकोनमी दे विच किन्ने सैक्टर है, एजुकेशन सैक्टर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, रेलवे सैक्टर हो गया, रियल एस्टेट हो गया, तो स्टील सैक्टर हो गया। ठीक है, मान लो ये वख-वख सैक्टर्स आ, हुण इन्हां दी लिमिट बना देनी आ उन्होंने किने सेंट्रल बैंक ने भी एजुकेशन सैक्टर दे लई जे किसी ने लोन लैना तो सिर्फ वो 25% लोगों नूं ही लोन देवे। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए लैना तो 22%। ठीक है, इस तरह के नाल इन्हें क्रैडिट राशनिंग की जाती है भी इन्ने परसेंट वध लोगों तो ज़्यादा की आ लोन इन्हों प्रोवाइड ना किया जा सके। राशनिंग का की मीनिंग आ, फिक्स्ड लिमिट कोई भी तय कर देनी, वो तय कौन करता, अपना जिहड़ा सेंट्रल बैंक हुंदा, जिवें कि अपने इंडिया का सेंट्रल बैंक हो गया RBI। अगे आप मीनिंग देखते हैं। देखो, क्रैडिट राशनिंग मीनस रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑन डिमांड्स ऑफ फाइनैशियल हैल्प। देखो, कोई भी सैक्टर आपको पता लोन क्यों लेंदा, क्योंकि उन्होंने फाइनैशियल हैल्प की लड़ हूँ, वित्तीय सहायता की लड़ हूँ। ठीक है, पैसे की उन्होंने को कमी होने करके वह की कहें भी सूँ लोन मिल जाए तो असं आपका काम स्टार्ट कर लिए। पर सेंट्रल बैंक की आ, उन्होंने एक लिमिट लगा दिता भी इन्ने तो व्यादा लोगों की आ लोन प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, अंडर दिस मैजर सेंट्रल बैंक डिटर्मीज द लिमिट्स ऑफ क्रैडिट। ठीक है, इस मैथड के जा मैजर के अंडर की हुंदा, सरकार एक लिमिट जी क्रैडिट की आ की तय कर दिंदी, विच कैन बी एडवांस्ड टू स्पैसीफिक सैक्टर और टू स्पैसीफिक इकनोमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, किसी भी स्पैसीफिक जिहड़ा सैक्टर आ जां स्पैसीफिक इकनोमिक एक्टिविटीज़ आ उहदे लई लिमिट तय कर दिंदी आ, भी जिवें आपां पहलां पढ़िया सीगा भी एग्रीकल्चर नूं इन्ने परसेंट मिलेगा। ठीक है, एजुकेशन वाले नूं इन्ने परसेंट की आ, एक ही लिमिट तय की जाती है। ठीक है, हुण जिहड़ी भी सेंट्रल बैंक चाहुंदा भी ये सैक्टर वल पैसा वधाया जाए, उहनूं वध तों वध लोन प्रोवाइड करते जांदे आ, उहनां दी जिहड़ी परसेंटेज आ उहनां नूं वधा दिता जांदा। ठीक है, जिन्हां ते जिवें हुण स्टील ते रियल स्टेट सी उहदे विच सिर्फ 5% ते 3% सी। ठीक है, ये सरकार की कहती है भी इन सैक्टर दे विच पैसा घट जाना चाहिए, ता करके वो की है क्रैडिट राशनिंग नूं घटा दिंदी आ। ठीक है, इस तरह अगे देखते हैं, नो स्पैसीफिक सैक्टर और एक्टिविटी इज़ ग्रांटड क्रैडिट मोर दैन द स्पैसीफाइड लिमिट। ठीक है, कोई भी जिहड़ी आ क्रैडिट जिहड़ी संस्था, ठीक है, जां कोई भी सैक्टर आ जिहड़ी लिमिट आ उहदे तों ज़्यादा की आ लोन नहीं लै सकदा। ठीक है, जे उहनां नूं कह दिता जाऊगा भी तुहानूं इन्ने परसेंट लोकां नूं ही सिर्फ लोन देना, तां बस उन्नां नूं ही दिता जाऊगा, कोई भी की आ इहनां दी लिमिट नूं क्रॉस नहीं करदा। ठीक है, देखो, इफ सेंट्रल बैंक वांट्स टू रिड्यूस क्रैडिट, जे सेंट्रल बैंक चाहुंदा भी पैसे नूं इकोनमी दे विच घट कर दिता जाए, तां उह की कर दूगी, जिहड़ी अपनी राशनिंग करती है वो क्रैडिट की, उन्हों की आ वधा दूगी। ठीक है, क्योंकि जिहड़ा वो चाहती आ भी जिहड़े जिहड़े सैक्टर्स आ उन्होंने कोल पैसा घट जाए, ठीक है, तो वह की आ क्रैडिट राशनिंग कर दिंदी आ भी आ सैक्टर कोल इन्ना जाए, लिमिटेड बना दिंदी आ। ठीक है, जे कहिंदे इफ क्रैडिट अवेलेबिलिटी इज़ टू बी इनक्रीज़, जे वह चाहती आ भी वध तों वध लोगों जिहड़ा पैसा मिले, ठीक है, क्रैडिट मिले, तो आपां पता भी वह की करूगी, राशनिंग ऑफ क्रैडिट इज़ नॉट डन, मतलब जिहड़ी राशनिंग आ उह नहीं कीती जाऊगी, उन्हां सारे सैक्टर नूं खुल होगी भी तुसीं किन्ने मर्जी की आ लोन लै सकदे आ। इस तो अगे आ रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रैडिट। कंज्यूमर क्रैडिट मतलब कि आप भी की आ लोन लैने, आपां नूं कई वार जरूरत हुंदी है पैसे की लोड़ हुंदी, आपां नूं आए हुंदा भी आपां लोन लगा लीए। ठीक है, उहदे विच की आ इहनूं भी रेगुलेशन करदा, कौन रेगुलेट करदा वा, सेंट्रल बैंक जां कमर्शियल बैंक्स। देखो किवें करदा, कंज्यूमर क्रैडिट इज़ क्रैडिट एडवांस टू द कंज्यूमर फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ देयर नीड्स। ठीक है, कि आ कंज्यूमर अपनी सैटिस्फैक्शन करन दी अपने लोड़ां पूरा करन दे लई की आ कुछ लोन जा लेंदा। ठीक है, तां क्रैडिट अवेलेबिलिटी कैन बी रिड्यूस एंड इनक्रीज्ड बाय द रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रैडिट आलसो। ठीक है, जिहड़ी भी अपनी इकोनमी दे विच पैसा घूम रहा, ठीक है, जिहड़ा भी पैसा आदा जा रहा, ठीक है, उहनूं वधाउणा जां घटाउणा इह किहदे द्वारा रेगुलेट किया जा सकदा, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रैडिट। किवें हुण की आ कंज्यूमर क्रैडिट नूं की आ
कंट्रोल किया जाता है। कहिंदे जेकर अवेलेबिलिटी रिड्यूस्ड जेकर इकोनमी दे विच आपां पैसे नूं घटाउणा, ठीक है, सेंट्रल बैंक चाहुंदा वी इकोनमी दे विच लोकां कोल पैसे दी जिहड़ी सप्लाई है बहुत ज़्यादा हो रही है हुण उह घटाउणा चाहुंदा, तां उह की करूगा, सेंट्रल बैंक डायरेक्ट्स कमर्शियल बैंक्स टू रिड्यूस द कंज्यूमर। तो जिहड़ा सेंट्रल बैंक आ कमर्शियल बैंक्स नूं कह दूगा भी तुसीं आपदे जिहड़े कंज्यूमर क्रैडिट आ उहनूं वी घट करो, ठीक है, उन्होंने अवेलेबिलिटी नूं घटाउणा सो कंज्यूमर क्रैडिट नूं घट करो। हुण जिहड़े कमर्शियल बैंक्स आ उह किवें घट करनगे, आपां नूं पता जदों ज़्यादा रेट ऑफ इंट्रस्ट होगा तां आपां की है लोन घट लवेंगे, ठीक है, सो की आ आपां जिहड़े लोन आ उह घट लवेंगे, इस तरह की आ जिहड़ी क्रैडिट अवेलेबिलिटी अपने लिए घट जूगी क्योंकि आपां घट लोन लवेंगे। इस तों बिना जे अवेलेबिलिटी वधाना चाहती है, ठीक है, फिर की आ जिहड़ी अवेलेबिलिटी वधाने लई सेंट्रल बैंक की करूगा, कमर्शियल बैंक नूं कहूगा भी तुसीं कंज्यूमर की क्रैडिट कंज्यूमर नूं वध तों वध जिहड़े लोन दो। वो लोन किवें लैंदे आ आपां नूं पता, आपां लोन कदों लवेंगे जदों रेट ऑफ इंट्रस्ट घट होगा, ठीक है। इतों तक की है तुहाडे सारे क्वालिटेटिव मैथड्स फिनिश हो जाते हैं, तो अगे आपां कल न्यू टॉपिक स्टार्ट करांगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।